हेलो गाइस, दिस इज हिमालिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू कॉलेज सोज, जहां हम बात करते हैं अलग अलग कॉलेजेस, कैंपसेस और करियर्स के बारे में, ताकि आप ढूंढ सके अपने लिए एक सही कॉलेज और कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जहां हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे वो टॉप 5 प्राइवेट कॉमर्स कॉलेजेस हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने 12th कंप्लीट होने के तुरंत बाद। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि इस फील्ड में आगे आपको क्यों जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पसंद है नंबर्स, डेटा, या फिर अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स में, तो आप एक सही डायरेक्शन में है, क्योंकि ये फील्ड है आपके लिए काफी सही एंड आपको कॉमर्स में मिलता है एक सक्सेसफुल करियर अपॉर्चुनिटी भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलेज की, जो कि है सिम्बायसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, पुणे। तो ये तो हम सभी जानते हैं दैट सिम्बायसिस है काफी बड़ा एंड रिप्यूटेड नाम इंडिया के अंदर, एंड इस कॉलेज का सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है बल्कि यहाँ की पढ़ाई भी होती है काफी अच्छी, और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनकर बाहर निकलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उसकी होती है स्किल्स इम्प्रूव अपने इस 3 साल के कोर्स के अंदर। चलिए अब जानते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरियाज आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका यहाँ एडमिशन होगा आपके मेरिट बेसिस पर, यानी आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम एज सच नहीं देना पड़ता है। बीकॉम के लिए आपके सिर्फ 10+2 यानी 12 के मार्क्स यहाँ मैटर करेंगे, एंड कोशिश करें कि आप ला पाए मोर देन 85% अपने 12th में, ताकि आपको मिल सके कॉलेज में सीट और रहे आपके चांसेस थोड़े ज्यादा। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ आपके 3 साल के प्रोग्राम की फीस होगी लगभग 78,000 से 3.26 लाख तक की, और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बीकॉम कोर्स चूज करते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो की है प्लेसमेंट्स। तो यहाँ आपको मिलेगी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि कंपनीज जो हायरिंग करने आती है यहाँ पे वो है डेलॉयट, हनीवेल और ऐसी ही कई सारी बड़ी ब्रांड्स। और जो एवरेज पैकेज आपको देखने मिलेगा साल का वो हुआ 5 लाख तक का। हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर कॉलेज आता है वो है नारसी मुंजी, और ये देता है प्रोफेशनल एजुकेशन अपने मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स को, ताकि वो हो सके इंडस्ट्री रेडी और डेवलप हो सके उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज। तो अब बात करते हैं यहाँ एडमिशन की। तो सबसे पहले तो होने चाहिए आपके 12th में मिनिमम 60% मार्क्स, और मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके लिए एक मैंडेटरी सब्जेक्ट आपके 10th और 12th में। फिर देना होगा आपको NPAT यानी नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्जाम। अगर फीस की अगर बात करें यहाँ पर, तो बीकॉम की फीस है 5.25 लाख तक के आसपास, और टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज जो आपको देखने मिलेंगी वो है ICICI, MMTC, डिलीवरी जैसी बड़ी ब्रांड्स। फिर एवरेज सैलरी होगी 5.4 लाख तक की। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड कॉलेज की तरफ, जो कि है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। सो क्राइस्ट में एक कॉमर्स स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए देना पड़ेगा CUET यानी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। फिर उसके बाद देना होगा MP यानी माइक्रो प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये है कि एक कैंडिडेट को दिए जाएंगे 90 सेकेंड्स एक टॉपिक पर बोलने के लिए, जो कि दिया जाएगा पैनलिस्ट के द्वारा। फिर उसके बाद होता है PI यानी पर्सनल इंटरव्यू राउंड। लेकिन इन सबसे पहले तो ऑफकोर्स देखी आएगी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपके 12th में, और होने चाहिए आपके 60% से ऊपर मार्क्स। फिर बात आती है एडमिशन फीस की, यानी आपके इस 3 साल के कोर्स की फीस होगी अराउंड 2.45 लाख तक की, और ये होगी आपके नॉर्मल बीकॉम कोर्स की। अब प्लेसमेंट्स की अगर बात करें, तो कंपनीज जो आती हैं क्राइस्ट में वो है KPMG, Amazon, Gartner। फिर जो एवरेज सैलरी पैकेज देखने मिलेगा आपको आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, वो होगा अराउंड 5.5 या फिर कभी कभी 3 लाख तक के बीच। अब चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट कॉलेज पर, जो कि है लॉयोला चेन्नई। इधर एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफ़ी सिंपल। तो आपको करनी होगी ऑफकोर्स अपनी क्लास 12th कॉमर्स फील्ड से, एंड आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर ही। फिर जो फीस होगी आपकी इस 3 साल के कोर्स की वो होगी 1 से 4 लाख तक के बीच, एंड ये भी फीस करेगी डिपेंड आपके कौन से कोर्स के ऊपर। फिर जो कंपनीज आती है हायरिंग के लिए वो है सिटी बैंक, अडोबी, एक्सेंचर, फ्रेश विस्ता, एंड एवरेज पैकेज जो आपको देखने मिलता है वो है 5 से 6 लाख तक का। अब बढ़ते हैं आगे हमारे इस वीडियो के 5वें कॉलेज पर, जो कि है सेंट जेवियर्स मुंबई। तो इधर एडमिशन लेने के लिए करना होगा आपको अपना 12th कंप्लीट मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, और इधर सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर ही, और फिर देना पड़ेगा आपको एक इंटरव्यू। फिर जो फीस रहेगी आपकी इस 3 साल के कोर्स की वो होगी 1 से 1.5 लाख तक के बीच, और जो कंपनीज आती हैं हायर करने सेंट जेवियर्स में वो है JP Morgan और DE Shaw, एंड जो एवरेज CTC रहेगा एक ग्रेजुएट का वो होगा 6 लाख तक का।
तो ये थे वो हमारे 5 प्राइवेट कॉलेजेस कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई कॉलेज छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि उस कॉलेज के बारे में हम आपको अच्छे से बता पाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।